ही 8 मछली मारे गए हैं। ऑपरेशन जल शक्ति तीनों जिला दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर की डीआईजी बस्तर पैटर एवं एसटीएफ के सुरक्षा बलों द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें दंतेवाड़ा से डीएसपी राहुल विके एवं आशीष नेताम नेतृत्व कर रहे थे और नारायणपुर से डीएसपी प्रशांत जवाब में। ये टोटल जो ऑपरेशन है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में था, जहाँ पर माल डिवीजन एवं पूर्व बस्तर डिवीजन के माओवादी एवं प्लाटून 16 के माओवादी की उपस्थिति की सूचना थी। लगभग 72 घंटे ऑपरेशन में जवानों को 7 से 8 बार एक्शन ऑफ फायर मुठभेड़ हुआ, जिसमें अलग अलग जगह पर मुठभेड़ में कुल सुरक्षा बलों को 8 वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद किया गया हथियार से। इसके अतिरिक्त हमें टिफिन बम, प्रेशर कुकर आईडी, उनकी वर्दी, दैनिक उपयोगी सामान, लिटरेचर मिला है। उनका वहां पर ट्रेनिंग कैंप था, उसको जवानों द्वारा ध्वस्त किया गया और लगभग 400 पेयर में उनके शूज और चप्पल थे, तो उनको भी जवानों द्वारा ध्वस्त किया। तीन जिले के जवान गए थे सर, और इतनी बड़ी सफलता, क्या कहेंगे इसके बारे में? और ऐसा अभी लगातार अभियान अभी गर्मी के दिनों में कैसा रहेगा? जी, टीसीओसी कैंपेन है, बट इसके बावजूद लगातार ऑपरेशंस जारी हैं। इसमें तीन जिले प्लस एसटीएफ का बल, जैसे 4 यूनिट के बल डीआरजी बसपेट और एसटीएफ का बल इन्वॉल्व था, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हमें सफलता हासिल। बड़े नक्सली कैडर किस प्रकार दबाव में सर? जाहिर सी बात है, गश्त हम लोग सभी जगह मिलकर कर रहे हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर के साथ कर रहे हैं, नारायणपुर के साथ कर रहे हैं, हम सभी जगह मिलते अलग अलग जगह पर, जैसे जैसे हमें आसूचना प्राप्त होती है विभिन्न माध्यम से, उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं और हमें लगातार सफलता भी मिल रही है। पूरा क्रेडिट तो डीआरजी और सेपरेटर और एसटीएफ के जवानों को सफल बना रहे हैं। लगातार ये ऑपरेशन चलता रहेगा।